एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ प्लानिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की थी जिसमें मैंने स्पोर्ट्स और ECA कोटा के बारे में बताया था कि उसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत जल्दी ही कुछ गाइडलाइंस आने वाली हैं। सो दिस वीडियो इज इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सेम वीडियो, बिकॉज इन दैट वीडियो ओनली आई प्रॉमिस्ड कि मैं इसके बारे में और डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगी। सो हियर इज दैट वीडियो। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि स्पोर्ट्स और ECA का प्रोसेस क्या होता है और बिना CUET में अच्छे रैंक्स लाए भी आप किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं 2022-23 सेशन में। तो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो, बिकॉज इन दिस वीडियो यू विल गेट इनफ इन्फॉर्मेशन और आपको आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट इवन आफ्टर दैट, इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली में स्पोर्ट्स और ECA कोटा में होता क्या है, मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन प्रोसेस होता है जिसमें कि पहले क्या होता था कि आपकी कट ऑफ आती थी आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर। बट इस साल आप सबको पता है कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर कोई कट ऑफ नहीं आएंगी, रादर आपका एडमिशन कैसे होगा CUET के स्कोर्स पर। बट अब यहाँ पर डाउट ये आ रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में कि CUET का स्कोर तो ठीक है, बट CUET में भी अच्छे रैंक्स लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। मीन्स अभी तक 12th के एग्जाम्स ही चल रहे हैं, फिर ऊपर से CUET भी आने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर अभी बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि CUET कब होगा, कैसे होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पूरा साल पढ़ाई भी नहीं की, मीन्स जिन्होंने ये सोचा था कि हम तो स्पोर्ट्स में हैं, हम तो ECA मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें तो मीन्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर और यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा। बट अब क्या है कि नाउ दो स्टूडेंट्स आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। अब वो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हमने ना तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया, हम तो अपने स्पोर्ट्स पर फोकस थे, हम तो अपने ECA की एक्टिविटीज़ पर फोकस थे, हम तो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो अब हमारा क्या होगा, क्या हमें अब एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि आपको भी एडमिशन मिलेगा और सिर्फ उसी तरह से उसी क्राइटेरिया पर ही एडमिशन मिलेगा जैसे पहले मिलता था। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपको CUET में अपियर नहीं होना पड़ेगा, आपको भी CUET में अपियर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको पासिंग स्कोर्स भी लाने पड़ेंगे। मीन्स जितने भी मार्क्स का आपका CUET होगा उसमें आपको उतना रैंक लाना पड़ेगा जो कि पासिंग के लिए, मीन्स यू कैन से कि क्लियर हो जाना चाहिए, आपका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया होगा उसको क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज इन दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द अपडेट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस साल क्या क्या होने वाला है। तो वहां पर भी मैंने बताया था, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट दैट हियर ऑल्सो, कि आपका 75% वेटेज जो है वो CUET के वो स्पोर्ट्स और ECA के ट्रायल्स को मिलेगा और 25% वेटेज जो है आपको वो CUET के स्कोर्स को मिलेगा। बट उसमें ये कंडीशन रहेगी कि CUET क्वालिफाइड होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ CUET में अपीयर कर लिया और आपके एक या दो मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स आपके कुछ भी मार्क्स नहीं है और आप सोचें कि नहीं हमें तो एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। मीन्स आपको थोड़ी बहुत प्रेपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो अब एक तो बात ये हो गई कि क्या वेटेज रहेगी, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर लाइक CUET के साथ आपके स्पोर्ट्स और ECA में एडमिशन होगा कैसे। तो CUET में तो आपको सबको अपियर होना है, भले ही आप कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET में तो आपको अपियर होना ही है। उसके साथ साथ आपको अपने पिछले 3 साल के सर्टिफिकेट्स को रेडी रखना है। 3 साल के सर्टिफिकेट्स मीन्स अभी आप 12th में थे, 11th और 10th, ये जो 3 साल थे आपके, इसमें अगर आपने स्पोर्ट्स में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है, तो उसके लिए आपको अपने पिछले 3 साल के सर्टिफिकेट्स भी रेडी रखने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मीन्स आप अगर स्कूल लेवल पे इंटर क्लास इंटर स्कूल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करते थे
तो आप सोच रहे होंगे कि वो सर्टिफिकेट्स चल जाएंगे, तो हियर आई वांट टू गिव यू वन एडवाइस कि इसमें जो है आपके सर्टिफिकेट्स नेशनल लेवल के या फिर स्टेट लेवल के या फिर जोनल लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इस तरह के, इस लेवल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं मोस्टली उनको ही प्रेफरेंस दिया जाता है। मीन्स अगर आपका नेशनल लेवल का कोई एक सर्टिफिकेट भी आपके पास है और आप CUET को क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का है। यू कैन गेट इट रिटर्न फ्रॉम माई साइड, तो आपको पक्का एडमिशन मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ CUET के क्वालिफाइंग स्कोर्स लेकर आने हैं। तो उसके लिए अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम प्रेपरेशन कैसे करें, हमने तो अभी तक की नहीं है, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक सीरीज ऑफ इंग्लिश क्लासेस, मीन्स इंग्लिश की जो आपकी वोकैबुलरी है, ग्रामर है, ये सारी चीजों की क्लासेस मैं आज से ही स्टार्ट करने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दें, उन मीन्स 15-20 डेज जो भी बच, 15-20 तो नहीं, अभी भी आई थिंक 1 month इज देयर इन योर हैंड। अभी भी आप अगर 1 month की बिल्कुल अच्छे से प्रेपरेशन कर लेंगे तो आप अच्छे से स्कोर्स ले आएंगे। तो अब बात आ जाती है कि अगर आपके नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं या फिर स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। तो अब उसके बाद अब एक और बात आपके माइंड में आ सकती है कि क्या ट्रायल्स होंगे इस साल या नहीं होंगे, तो उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही कंफ्यूज है कि उनको लाइक ट्रायल्स कंडक्ट करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। अगर हो जाते हैं ट्रायल्स तो फिर आपकी जो मीन्स 75% वेटेज जो है वो ट्रायल्स को मिलेगी और 25% CUET को मिलेगी। अगर ट्रायल्स नहीं होंगे तो सर्टिफिकेट्स और CUET का जो 25% वेटेज है वो जाएगा। तो अब अगर आपके ट्रायल्स होते हैं तो आपको ट्रायल्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको लाइक स्कोर्स मिलेंगे और उन स्कोर्स के बेसिस पर ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रायल्स कैसे होते हैं, ट्रायल्स कैसे होंगे, उसके लिए आपको एक लेटर जाता है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज का लाइक जिस भी कॉलेज में जो भी गेम या स्पोर्ट होता है या भी जो भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको इस डेट को इस कॉलेज में इतने बजे तक पहुंचना है। वहां पर आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट मीन्स आपको वो जो भी चीज़ में आप अपने आप क्लेम डाल रहे हैं कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं, हमारे पास इसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके दिखानी पड़ती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है उसी बेसिस पर। अगर वो नहीं होते ट्रायल्स, क्योंकि लास्ट 2 years से ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो फिर आपके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर ही आपको वेटेज मिलेगी और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स कि स्पोर्ट्स में और ECA में एडमिशन होता कैसे है, वो सब मैंने ट्राई किया है कि मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको, बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज विच आई एम गोइंग टू अपलोड फॉर द CUET प्रेपरेशन एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोज विद अदर्स ऑल्सो बिकॉज नाउ इट इज द हाई टाइम कि अब भी अगर आप प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक फिर बहुत लेट हो जाएगा। और CUET को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, मीन्स भले ही आप स्पोर्ट्स ECA के हैं या नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी चीज़ को मीन्स कोई भी एडमिशन टेस्ट को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, दूसरा लाइक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या आंसर्स लिखने हैं, तो उसके लिए प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो 1 month एटलीस्ट आपको प्रेपरेशन को ही डिवोट करना पड़ेगा, बाकी सब चीजें छोड़कर आपको 1 month आप सीरियसली सिंसियरली स्टार्ट करनी है अपनी CUET की प्रेपरेशन। और अगर आप स्पोर्ट्स और ECA के कैंडिडेट्स हैं और अगर आपके ट्रायल्स होते हैं तो फिर आपको ट्रायल्स की भी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी आपके एग्जाम्स के बाद, और अगर आप सेंट स्टीफन्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू की भी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक ही जगह पर गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा, वो है हमारा चैनल किंगडम ऑफ लर्निंग। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव योर कॉमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट।